जो स्टूडेंट्स हैं वो साइबर जॉम्बी हो जा रहे हैं। जैसे स्मार्टफोन है उनके पास या कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, डिजिटलाइजेशन होने के कारण लोग स्टडी के लिए देते हैं बट वो अदर पर्पज से यूज करने लगते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करने लगते हैं, जिनके कारण आधुनिक आविष्कार तो हुए हमारे लिए लेकिन उसकी बदौलत आपको क्या हुआ, आप दुनिया से तो नहीं जुड़ पाए जो है, बल्कि क्या हो गए, खुद से जो है दूर हो गए। दोनों तरीके की हानि। वसुधैव कुटुंबकम, गुड मॉर्निंग, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर दिस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल @ पंकज कुमार लीडरशिप। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्पेशली फॉर एवरी यंगर जनरेशन बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आप सभी जानते हैं हमारे पास वर्तमान में डॉक्टर सुधीर दीक्षित की एक बुक है, टाइम मैनेजमेंट, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। और मैं एक स्टेटमेंट के साथ शुरुआत करना चाहता हूं, लुईस मम्फोर्ड का है। लुईस मम्फोर्ड के अनुसार आधुनिक औद्योगिक युग की सबसे प्रमुख मशीन भाप का इंजन नहीं बल्कि घड़ी है। इस बुक को पढ़ने के बाद इस स्टेटमेंट की जो मैंने अभी बोला वर्तमान में, आप इसकी वास्तविकता को जानेंगे। पहला हम शुरू करेंगे टॉपिक जो है, पहला बुनियादी सवाल इस बुक में जो दिया गया है, आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सभी को। दिन में 24 घंटे की अवधि जिसमें से अधिकांश समय आपका बर्बाद हो जाता है, ये एम्ब्रोज बियर्स ने कहा था। क्या आपने कभी सोचा है आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? समय पर काम न करने या काम न होने पर लोग झल्ला जाते हैं, ऐसा सही है? उसके साथ साथ आग बबूला हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। समय की कमी के चलते हम लगभग हर पल जल्दबाजी और हड़बड़ी में रहते हैं। इस चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है क्या होता है, बढ़ जाता है। लोगों से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है, तो कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। क्या आपने कभी यह भी बात सोची है कि हमारे पूर्वजों को कभी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो फिर हमें क्यों पड़ रही है? क्या हमारे पूर्वजों को दिन में 48 घंटे मिलते थे, सभी को एक जैसा समय मिला 24 घंटे? हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक पीढ़ी को, चाहे जो भी यंगर जनरेशन रही है, इक्वली टाइम है 24 घंटे सभी के लिए। बड़ी अजीब बात है क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत से ही मनुष्य समय बचाने वाले नए नए उपकरण बनाता जा रहा है। अब देखिए, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, औद्योगिक युग के बाद फैक्ट्री, ऑफिस और नौकरी का जो दौर शुरू हुआ उसने मनुष्य को घड़ी का गुलाम बनाकर रख दिया। पहले जीवन सरल था और अब जटिल हो चुका है, यह हमारी समस्या का मूल कारण है। पहले जीवन की रफ्तार धीमी थी लेकिन अब तेज हो चुकी है। अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ गया है, जो पलक झपकते ही हम दुनिया में से जुड़ जाते हैं। उसके साथ साथ तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जो है साइबर जॉम्बीज बना रही हैं। और उसके साथ साथ सबसे बेहतरीन फेमस स्टेटमेंट इस टॉपिक का है जो है, आधुनिक आविष्कारों ने हमारे जीवन की गति बढ़ा दी है, शायद आधुनिक आविष्कार ही हमारे जीवन में समय की कमी का सबसे बड़ा कारण है। इनकी बदौलत हम दुनिया से तो जुड़ गए लेकिन शायद खुद से दूर हो गए। आप वास्तविकता जान सकते हैं, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए या शहरी क्षेत्रों में देखा जाए, दोनों क्षेत्रों की बात करें तो जो स्टूडेंट्स हैं वो साइबर जॉम्बी हो जा रहे हैं। जैसे स्मार्टफोन है उनके पास या कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, डिजिटलाइजेशन होने के कारण लोग स्टडी के लिए देते हैं बट वो अदर पर्पज से यूज करने लगते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करने लगते हैं, जिनके कारण आधुनिक आविष्कार तो हुए हमारे लिए लेकिन उसकी बदौलत आपको क्या हुआ, आप दुनिया से तो नहीं जुड़ पाए जो है, बल्कि क्या हो गए, खुद से जो है दूर हो गए। दोनों तरीके की हानि। एक उसमें सबसे बड़ी बात आती है कि आपका जो है समय बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है।
अब इसमें एक स्टेटमेंट और है, यदि आप समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग को लेकर गंभीर हैं, तो इसका सबसे सीधा समाधान यह है कि यदि आप, ये बहुत फेमस स्टेटमेंट ये भी है, यदि आप किसी तरह आधुनिक आविष्कारों से मुक्ति पा लें, यदि आप किसी तरह आधुनिक आविष्कारों से मुक्ति पा लें तो दोबारा पुराने जमाने की जीवन शैली अपना लें तो आपको काफ़ी सुविधा होगी। आप जानते हैं कि जो पहले के पूर्वज थे उन सभी को जो है इतना ज़्यादा कोई डिजीज नहीं होता था। आप सभी को ये जानना चाहिए कि प्रत्येक दिन आप जो है अपनी शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए, मानसिक प्रक्रियाओं को सही रखने के लिए अपने जीवन में योग को भी अपनाएं। इसका असर आपको निश्चित तौर पर जब आप शुरुआत करेंगे कुछ ही दिनों बाद इसका असर दिखने लगेगा। एक स्टेटमेंट के माध्यम से और मैं कहना चाहूँगा, यदि आपको समय बचाना है तो क्या करें, ध्यान से सुनिएगा। यदि आप किसी तरह आधुनिक आविष्कारों से मुक्ति पा लें और दोबारा पुराने जमाने की जीवन शैली अपना लें तो आपको काफ़ी सुविधा होगी। नहीं नहीं, मैं यहाँ आपको जो है चूल्हे पर रोटी पकाने या मुंबई से दिल्ली तक पैदल जाने की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूँ कि मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, चैटिंग आदि समय बर्बाद करने वाले आविष्कारों का इस्तेमाल कम कर दें। पहले घड़ी हमारे जीवन पर हावी नहीं हुई थी और इसका सीधा सा कारण यह था कि ज़्यादातर लोगों के पास घड़ी थी। पहले अलार्म घड़ी की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। हमने या आप सभी लोगों ने अपने दादा दादी से सुन रखा होगा निश्चित तौर पर कि जब दादा दादी कहानियाँ सुनाया करते थे, आज भी जिनके यहाँ घर में देसी मुर्गा वगैरह रहता होगा तो मुर्गे की बाघ बोलती थी, यानी जैसे 4 बजता था ना तो तुरंत मुर्गे की आवाज़ जो है बोलने लगती थी, मुर्गा जो है कुकू कू करने लगता था। लेकिन अब क्या है, कोई जो है मुर्गे की बाघ ही नहीं सुन रहा है। सोते मान देखो तुरंत मोबाइल चालू, रील्स देखना है इंस्टाग्राम पर चालू, अदर जो सोशल मीडिया। तो इन सभी चीज़ों से बचने का सीधा सा साधारण सा उपाय ये है कि आप तभी बच सकते हैं जब साइबर जॉम्बी सही तरीके से हमारे जीवन पर पूरी तरीके से हावी ना हो, तो आप प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाएं, योग करें या अदर तमाम चीज़ें जो हैं वो एक्सरसाइज। सबसे अच्छा हो सकता है आपके लिए पुस्तकें पढ़ना। अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट हेमिंग्वे, देयर इज नो फ्रेंड एज लॉयल एज अ बुक। अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट हेमिंग्वे, देयर इज नो फ्रेंड एज लॉयल एज अ बुक। यदि आप पुस्तक पढ़ते हैं पुस्तकों से अच्छा आपका कोई मित्र नहीं है। अब यह इसमें स्टेटमेंट है रूपर्ट मर्डॉक का, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, अब बड़े छोटों को नहीं हराएंगे, अब तो तेज धीमों को हराएंगे। तो आप ये कथन भूलिए। यानी जो आज पहला बुनियादी सवाल है आज का, आजकल जो है समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है, तो इस पुस्तक के लास्ट पेज पर जो है एक बहुत ही फेमस कथन दिया हुआ है लुइस मॉम्फोर्ड का, आधुनिक औद्योगिक युग की सबसे प्रमुख मशीन भाप का इंजन नहीं बल्कि घड़ी है। तो इस पुस्तक को आगे पढ़ने से पहले आप जो है इस बात का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, यदि आपको पढ़ना होगा, यदि आप खरीदते हैं, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग की तरह ही समय की कमी भी एक आधुनिक समस्या है जो आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है। यदि आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो आपको अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। याद रखें दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना तो आपको ही है। यदि आप अपनी जीवन शैली और सोच को बदल लेंगे तो समय का समीकरण भी बदल जाएगा। जैसा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, हम जिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करते हैं उन्हें सोच के उसी स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता जिस पर हमने उन्हें उत्पन्न किया था। इन सब विचारों के साथ लास्ट में मैं यही कहूँगा, अब जो है गेंद आपके पाले में है, पकड़ना कैसे है यह आपको समझना है। फिर मिलेंगे हम इसी तरीके की नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। अब टाइम मैनेजमेंट की लगभग 30 सीरीज आएगी और उसके साथ साथ मैंने पॉडकास्ट को भी लॉन्च कर दिया है, आप द पंकज कुमार शो को भी देख सकते हैं। और जल्द ही सिविल सर्विसेज, UPSC और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की सारी क्लासेस शुरू होंगी, आप लगातार मेरे से जुड़े रहें। और थैंक यू सो मच, स्पेशल हार्टेस्ट थैंक्स फॉर एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माई इंस्पिरेशनल वीडियोस एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीवन। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।
एंड इंटरनेशनल एजुकेशनल स्पीकर मिस्टर पंकज कुमार। चेंज योर सेल्फ, बी द गेम चेंजर, बी अ माइलस्टोन। तुम्हारे जैसे तिनकों से हमारे लोग झाड़ू बनाकर अपने आंगन बहाते हैं, तो पृथ्वीराज वो तैराक है जो नदी नाले नहीं सैलाबी दरिया लहरों से खेलता हुआ पार कर जाता है।